नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल पालक पनीर। चलिए शुरू करते हैं। सामग्री: 200 ग्राम हरी मूंग छिलका दाल, 200 ग्राम पालक, 200 ग्राम पनीर, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा, 4 छोटे चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच देसी घी। 200 ग्राम मूंग दाल लें, इसे अच्छी तरह धो लें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें। 200 ग्राम पालक लें, इसे काट कर अच्छे से धो लें। अब पालक को कुकर में डालें, भीगी हुई मूंग दाल भी डालें, लगभग 1 लीटर पानी डालें, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, 3 छोटे चम्मच नमक डालें। कुकर का ढक्कन बंद कर दें और तेज आंच पर पकाएं। 2 से 3 सीटी आने दें और गैस बंद कर दें। 15 मिनट के बाद ढक्कन खोल दें। 200 ग्राम पनीर, 4 से 5 कटी हुई लहसुन की कलियां और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च लें। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालकर गरम कीजिए। गरम घी में 1 छोटी चम्मच जीरा डालिए और तड़कने का इंतजार कीजिए। अब आंच धीमी कर दें और सूखी लाल मिर्च डालें। लाल मिर्च के कुरकुरे होने तक भूनें। कटा हुआ लहसुन डालें। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। अब पनीर के टुकड़ों को पैन में डाल दें और धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए भूनें। 1 छोटा चम्मच नमक डालें, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। पनीर के तड़के को कुकर में डालें। दाल पालक पनीर बनकर तैयार है। एक बोल में निकाल लें और उबले हुए चावल के साथ सर्व करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें।